परिवर्तन आता और इसका पैसा भी जाता, तब हम उनकी लूट नहीं देखते हैं। हम ये तो देख लेते हैं कि हमारा हवन में पैसा लगा, हम ये नहीं देखते कि हमने डॉक्टर को सभी कुछ दे दिया। जो जीवन में कमाया था वही डॉक्टर को दे रहे हैं हम, जो जीवन ऐसा क्या सारी दुनिया बीमारी पैदा कर दी भगवान ने, बताइए। इतने बीमार तो पहले भी नहीं होते जितने बीमार अब, और इतनी बीमारियां कुछ हद नहीं, इतनी बीमारियां कहां से आ गई भाई। शरीर स्वस्थ आदमी को बीमारी बताई जा रही है, नहीं समझे आप। एक माता जी है या कल वाली जिनके यहाँ पे गांठ थी अंदर है, जिनको रात को देखा मैंने, जिनके मस्तिष्क कहाँ है, एक बार दर्द पूछो गांठ में कितना दर्द है, कहाँ गए दर्द, गांठ में दर्द नहीं है कल से। उसको सिर में दर्द रहता था, उसको बताया आपको गांठ है अंदर, उसमें दर्द रहता है, आपकी नाड़ियां मर गई है, ये मर गई है, वो मर गई है, उसको दर्द ही नहीं है कल से, नहीं समझे। एक और पीड़ित दर्द से भरा हुआ आया था। मैं ये कहता हूँ अगर दर्द हो भी गया हो तो मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया, उसको निगेटिविटी का ही सारा दर्द, और निगेटिविटी इतनी बीमारियाँ उत्पन्न करती है कुछ हद नहीं। दुनिया का कोई रोग ऐसा नहीं है जो निगेटिविटी से ना होता। अच्छा, ये निगेटिविटी ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ कैसे पैदा कर लेती है भाई? ऑब्वियसली एक बात है, आपने ज़्यादा खा लिया पेट खराब होगा, नहीं समझे। आपने पानी नहीं पिया तो गला सूखेगा, नहीं समझे। है आप ज़्यादा डूब डूब के नहा लिया तो जुकाम हो जाएगा, पानी वहाँ तक चला जाएगा नाक के रेशों में, नहीं वहाँ जलन भी हो सकती है। आप रेफी में चले गए आपको छींके आने लगेंगी, नहीं समझे। तो आप जहाँ चले गए जहाँ निगेटिविटी का तत्व बैठ गया भाई, जैसे एक लड़के का 13 लाख का ऑपरेशन, 13 लाख रुपए लग चुके और फिर भी डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन बोल दिया सर। मैंने क्या किया, आते उसके 2-4 हथौड़ी बरसा दी, जैसे जैसे मैं हथौड़ी मारता गया उसके सर का दर्द कम होता। आप बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सर के दर्द में हथौड़ी मारेगा और दर्द कम हो जाएगा, मार सकता है? नहीं। कल एक आदमी आया, वो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, उसके आधे सर में दर्द रहता है और वो आंख बंद करके 2-2, 3-3 घंटे ठंडा जल डाले जाता है यूं आधे सर में, उसके दर्द का कोई तोड़ नहीं मिल रहा डॉक्टरों को। कल वो मेरे पास आया, मैंने फूंक मारी, मैंने पूछा कहाँ लगी, बोले हाँ मस्तिष्क में लगी, मैंने तुरंत 2 घूसे मार दिए, अब दर्द कहाँ है ढूंढो, दर्द है ही नहीं समझा। क्या है कि निगेटिविटी शरीरों में वास कर रही है, अब वो जहाँ चली जाती है वहीं के रोग हो जाते हैं। किसी की निगेटिविटी पेट में रहती है तो पेट के ही तो रोग देगी, किसी की कमर में रहती है तो कमर का रोग देगी। अब डॉक्टर कह रहा है भाई मैं कौन किसकी बेल्ट उतारने वाला हूँ, मैं कौन किसके घुटने का ऑपरेशन करने वाला हूँ, ना मैंने ये चीज़ें सीखी, मैं तो भगवान का नाम जप करने वाला हूँ। लेकिन मैंने एक बात देखी कि लोगों में निगेटिविटी रहती है और वही क्या कराती है, किरणपाल खड़ा है, 40 लाख रुपये इसके पहले लग गए, 3 किले बिक गए, 1 किला बाकी, उसको भी बिकवाने के लिए डॉक्टर तैयार, और समस्या उसको शनिधाम की, यानी कि उसको निगेटिविटी है। देखो अभी भी कैसे कर रहा है मेरे कहते ही, देखो ये निगेटिविटी की समस्या है इसको, और अभी तक ठीक खड़ा था, आगे ना तो वो थोड़ा तत्व रह रहा है, जो ही मेरी आंखों में देखेगा तो ही उसमें दबाव पड़ेगा। ये सेम कैसे है, मैंने पहले बताया अभी तो, कि जैसे किसी पुलिस वाले ने आपकी खाल उधेड़ दी, आपने कोई अपराध किया, पुलिस वाले को मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, कोई आदमी अपराध करेगा पुलिस वाला मारेगा डंडा, और अगर उसने किसी को डंडे मारे हैं, अब वो आदमी उस पुलिस वाले के सामने कदापि जाएगा नहीं, जब जाएगा तो वो एक तो बहुत लहजे से बोलेगा और दूसरा डर के बात करेगा, है ना, और उसको देखते ही उसके पैर कांपने लगेंगे, ऐसे ही तो ऐसे ही सेम उसको हुआ, अब तो नहीं हो रहा, हो रहा है, आराम आंख में देख, अरे देखा भोड़े लग गया क्या भाई, नहीं समझे आप। तो निगेटिविटी है शरीर में भरी हुई है, उसकी फॉर्म अलग अलग है, उसको प्रेत कहो पितर कहो बात एक ही है, नहीं समझे, उसका स्वरूप एक ही है। आपने बहुत सारी ऊर्जाएं देखी होंगी, मेरे घर में देखी होगी, यहाँ भी देखी होगी, वो ऊर्जाएं कभी गोलाकार बन जाती है, एक तो ऐसे ऐसे करके घूम रही है, ये कीड़े नहीं है, ये कदापि कीड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख रहे हो अभी भी मौसम साफ है, और मच्छर कुछ अलग तरीके से आता है, ऐसी एक तितली यहाँ से होके गुजर गई है, अब ये वापस यहीं नहीं आएगी, तो वहाँ पर रोज कैसे वही तितलियाँ आ रही हैं, ठीक है, और रोज उसी आकार में आ जा रही हैं और जमीन में समा रही है, फिर वापस नहीं उठ रही,
तो ऐसा आप कदापि देखते नहीं है। ऊर्जाओं का जोश रोशनी धाम में है वो दुनिया में कहीं पे है ही नहीं। और ये उत्पन्न भी हो जाता है। कैसे उत्पन्न हो जाता है? जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें दो परिवार की आपस में लड़ाई हुई, दो गुटों की। अब उनके पितरों और उनके पितरों आमने सामने हुए, वो दुआ कर रहे हैं कि ये लड़े ना ये लोग, और वो वहां दिखाई दे रहे घूमते हुए कि उनके मस्तिष्क खराब ना हो। उनका क्रोध बढ़ रहा है, वे गाड़ियों से एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं। ये तो गुड़गांव की खबर है भाई, कल की, कल परसों की किसने देखी है? नहीं देखी आप लोग। सबका नेट बंद है, पांच गाड़ियां टूट गई उसमें और बहुत सारे लोगों को चोट लग गई। गुड़गांव की एक खबर और भी है, शमशान घाट गिरने से चार लोग मर गए। शमशान घाट की दीवार गिरने से। कल ही कहा था गुरुजी ने कि शमशान, वो शमशान घाट की दीवार नहीं गिरती है एक्चुअली में। कभी भी शमशान घाट की दीवार ना गिरी ना छत गिरी। एक बार शमशान घाट की छत गिर गई, 24 आदमी मर गए, 35 ठीक है ना, गाजियाबाद। और वो कोई त्यागी ही थे जिन्होंने उसका टेंडर लिया था और उसने बता दिया नीचे से ऊपर तक कैसी लूट थी। बोला 37 लाख रुपए उसमें लगाने के लिए मिले थे, 37 लाख में तो बोला सही तरीके से लगाए जाए तो थम भी ना पड़े उसके, ठीक है। बोला मिले कई करोड़ लेकिन वे बट गए बच्चे 37 लाख। अब 37 लाख में से मुझे भी चाहिए था, अब 16 लाख रुपए मुझे कुल लगाने थे, उस 16 लाख की छत थी वो गिर गई। नहीं समझे, 16 लाख रुपए में 500 गज का लेंटर कैसे पड़ जाएगा 1000 गज का लेंटर, जिसके नीचे शमशान में जाने वाले सारे लोगों को खड़े होना, इतना बड़ा लेंटर कैसे पड़ जाएगा 16 लाख रुपए में। आगे ना, जब एक छोटी सी टीन जानने लगते हैं उसी के कई करोड़ रुपए लग जाते हैं, कैसे लग जाएगा भाई। तो वो तो चला जाता, फिर कोई नहीं पूछता SDM को, इसको उसको, ये सारे बैठ कर रिश्वत ले रहे हैं, सरकार की आँखें नहीं खुल रही। ये असल में सरकार की दीवार गिरी है, ये किसी शमशान की दीवार नहीं गिरी। सरकार की दीवार थोती है, शमशान की नहीं। शमशान की छत नहीं, सरकार की छत गिरी है, क्योंकि सरकार की छत मजबूत थी ही नहीं। इसलिए कहता हूँ सरकार की छत को मजबूत कर दो, ताकि आगे आने वाले समय में कभी गिरे ही नहीं। एक आज टेंडर निकला, फाइल तैयार हुई कि फलाने गांव की शमशान बननी है, उससे पहले उसमें से कीड़ा लग जाता है, बड़े बड़े ठेकेदार आ जाते हैं, टेंडर इतने का है, वो ऊपर की भी रिश्वत लिख देते हैं जी इतने इतने रिश्वत के, ऐसे ऐसे करके, और सारे टेंडर बन जाते हैं और कम से कम में भर के दिखा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच जाती है बंदरबाट, कोई पूछता ही नहीं। अब कोई बताए, बोला जी अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, वो संविधान कहाँ गया भाई? जिस संविधान के माध्यम से हम चोर को अपराधी को सजा ही नहीं दे पाए, कसाब आके यहाँ ये कहे कि मेरी मर्जी आई, मैंने गोली चला दी, मेरा मन किया, और उसको सजा मिले 8 साल बाद 10 साल बाद, उस संविधान का मैं क्या करूंगा भाई? बोलिए, जो मेरे बच्चों को आज मार गया, उस संविधान का मैं क्या करूंगा? धर के चाटूंगा, इससे अच्छा तो ना ही बनता कतर देश की तरह। ऐसे कई मुस्लिम कंट्री है जहाँ कोई संविधान नहीं है, बस एक ही बात है, अगर आपने चोरी की तो फांसी, ठीक है। आगे ना जी, गाड़ियों का इसका उल्लंघन किया तो इतनी सजा, और वे 5 लिखे धरे हैं ऊपर नीचे, 5 ही कानून बतेरे, एक ही कानून बतेरा, बस इतने बड़े संविधान की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे उस संविधान का, है जिसमें बचाव के दुनिया भर के साधन है, लाखों धाराएं हैं। एक इस संसार में भारत से ज्यादा वकील कहीं नहीं, इस संसार में भारत से ज्यादा जज कहीं नहीं, इस संसार में भारत से ज्यादा पुलिस वाले कहीं नहीं, नेता कहीं नहीं, और इस संसार में भारत से ज्यादा नेता कहीं नहीं। आगे ना, सबसे ज्यादा घूसखोरी भारत में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भारत में। वो कल पूछ तो रहा था जी, बोले मेरे पेट में दर्द है, मैंने कहा भ्रष्टाचार की मूली खाली होगी, नहीं समझे है? बोले ना जी इधर दर्द है, मैंने कहा तो यहाँ तो रिश्वत की रोटी फंसती है, नहीं समझे आप? तो भाई इस संसार में सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। संविधान में भी कहीं अगर अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं आज के युग को लेके, आज के समय को लेके, तो वो भारत है। आए ना समझ में? जैसे अगर आज के युग में कुरान शरीफ को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लागू नहीं हो सकती, इसी तरह आपके वेदों की बातें आप पे लागू नहीं हो सकती। अब 13 साल की लड़की को कोई ब्याहेगा? बोलो, 35 की होने के बाद भी लड़की कहती है मैं बशादी ना करूँ बापू, मैं तो 4 साल बाद करूँगी, अभी तो मेरा कैरियर नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ये तो सारे संविधान फैल हो गए, फिर किस लिए जरूरत पड़ी?
उसमें समय समय पे अमेंडमेंट होने, समय समय पे नए कानून बनने, और फिर बनते हैं नहीं तो स्थिति बिगड़ जाती है। फिर नहीं समझे आप? फिर कौन बोल रखा हो घुटने के ऑपरेशन के लिए? घुटने के ऑपरेशन के लिए बोल रखा है डॉक्टर? सब कुछ बोलेगा आपको, जहां दर्द होगा वहां आपको, अगर आप दर्द बताते गए वो दवाई देता गया और आपका उससे दर्द नहीं मिटा तो आपको ये भी बोलेगा आपको पागलपन हो गया है, आपको भ्रम की बीमारी हो गई है, आप किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। उसको ये पता है कि डॉक्टरों के पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी डिग्रियां हैं, कुछ हद नहीं। एक नया डॉक्टर आपके जिम्मे थोप दिया, फिजियोथेरापिस्ट। अब कमीनो, फिजियोथेरापिस्ट क्या होता है? बाप के सर में दर्द हुआ, बेटे ने सर दबा दिया, यही फिजियो है कि नहीं? बाप की कमर में दर्द हुआ और माँ ने दबा दिया, पत्नी ने दबा दिया, यही फिजियो है? नहीं समझे हम? आप पहले तेल नहीं लगाते थे क्या मलमल के, यूं रगड़ रगड़ के गट्टों में और यहाँ, और मालिश नहीं करते थे? अपने माता पिता की भूल गए? फिजियो तो तुम खुद के हो, और फिर तुम्हें फिजियो की जरूरत पड़ेगी। तो इससे बुरी स्थिति भारत में आ ही नहीं सकती कि हर काम के लिए आपको एक नौकर चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, और वो आपको ये सजा देता है कि आप जितना योग करते हो वो उतना निकाल ले जाता है। आगे समझ में? अब जैसे भारत का डॉक्टर एक ही काम कर रहा है, 80 करोड़ लोग गरीबी का राशन खा रहे हैं, मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, दिहाड़ी ले रहे हैं, मजदूरी ले रहे हैं, 80 करोड़ लोग, और भारत सरकार उनको राशन दे रही है, कई करोड़ सिलेंडर भारत सरकार जो है उस पर दे रही है, ठीक है, और भारत सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी घर भी दे रहे हैं और उन घर को डॉक्टर बिकवा रहे हैं। नहीं समझे आप? आप मेरे को ये बता दो, सबसे ज्यादा पैसा आप कहाँ खर्चते हैं? हॉस्पिटल्स, शिक्षा, दूसरा चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा, यही दोनों चीजें जहाँ की सरकार दे रही है वे देश सारे विकसित हैं। एक देश का नाम बता दो जहाँ शिक्षा और चिकित्सा फ्री नहीं है, फ्री है और वो देश विकसित नहीं है। एक देश का नाम बता दो कोई भी आके मुझे कि जहाँ चिकित्सा और शिक्षा फ्री नहीं है, फ्री है और वो देश विकसित नहीं है। भारत कभी विकसित हुआ नहीं और होगा भी नहीं जब तक चिकित्सा और शिक्षा फ्री, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है? ऊपर बैठे लोगों के दिमाग सुन हो गए हैं, उनके दिमागों पे ओले पड़ गए, वे ठंडे हो गए, ठीक है, वे सुनने हो गए, उनके दिमाग में एक ही बात रह गई है कि तुम्हारा धन कैसे बढ़े। आया समझ में? तुम्हारा धन या तुम्हारे पड़ोसियों का धन कैसे बढ़े, ऐसा तो कोई सोचता नहीं। चलिए एक बात बता देता हूँ, दो दोस्त हैं तो एक को बहुत ऊंचा पद मिल गया, उसने सोचा कि मेरे को पद मिल गया, अगर मैं अपने पास जोड़ूंगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए दोस्त के पास जोड़ के बहुत सारा धन रख देता हूँ। उसने दोस्त के पास जोड़ के बहुत सारा धन रख दिया है। दोस्त का नाम ऐसे है, ठीक है जी, और खुद का नाम वैसे है। अब दोस्त के पास इतना धन जोड़ दिया, इतना धन जोड़ दिया कि कई देश चल सके और कई सौ वर्षों तक खा सके, दोस्त के पास इतना धन जोड़ दिया। अब एक दिन बारी आई कि जब खुद का पद नहीं रहा तो एक दिन बारी आई कि भाई दोस्त पैसा दे दे, दोस्त मुकर गया, कहेगा पैसा दे दो ये तो मेरा है, तेरा इसमें क्या लगा हुआ है? बोला यार ये जुड़वाया तो मैंने था। बोला जुड़वाया होगा भाई, तूने क्या जुड़वाया था, तू तो उल्टा मेरे रहम पे पड़ रहा था, मैं देख तेरे को हवाई यात्राएं कराता था, मैंने तेरे को फलाने फलाने प्लेन दे रखे थे, कई कई हजार करोड़ रुपए की तेरी यात्राएं कराता था मैं। बोला तू भूल गया, तेरा तो उसी पे खर्च हो गया। या यूं कहो कि एक आदमी की दो बसें फंस गई, क्या हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ के अंदर कर दी, उसने अप्रोच लगाई तो जब उसकी अप्रोच किसी ने नहीं सुनी, उसने एक बदमाश टाइप से अप्रोच लगा दी आदमी से, वो उसने उसकी दोनों बसें छुड़वा दी और छुड़वा के अपने दो ड्राइवर छोड़ दिए, उन्हीं रूटों पे चला दी और उनको बोला भैया तेरे बस की बात नहीं है, इनको मेरे को चलाने दे, आधे आधे पे कर ले, आधे आधे का काम करके दो महीने चला के। यूं बोला ना भाई तू अपनी बसों के पैसे ले ले, उससे पैसे तय कर लिए भाई इतने पैसे दूंगा। अब वो आदमी आए तो कभी उसको 10,000 देते, कभी 20,000 देते, कभी 30 देते, दोनों बसों के पैसे ही नहीं दिए।
20-22 लाख रुपए बनते थे, वे दिए ही नहीं पैसे। बस वाले भी सुन लो, ठीक है, वे पैसे ही नहीं दिए। तो वो जब आता था तब उसको वो दारू खिलवाता था, मुर्गा खिलवाता था और 5-10 हजार दे देता था, ठीक है। एक दिन जब उसने देखा 1-1.5 साल गुजर गया कि ये पैसे नहीं देगा, तो वो दलबल के साथ आ गया 4 आदमियों को लेके। ये कह के, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, तुम्हारा निपटारा कर दे, मेरे को पैसे दे दे। बोला कैसे पैसे? बोला कैसे पैसे? बोला भाई मेरी 2 वस्तु ले रहा है, बोला ली थी। बोला तूने इतने पैसे नकद दिए? बोला दिए थे। बोला ये डेट पे तूने आज 10 हजार दिए, आज 5 हजार दिए? बोला दिए। बोला टोटल 1.5 हुए, तने देने थे 22। ओ बोला बावड़े भाई, इस तरह भी तो पूछ ले होटल वाले ते। बोला भाई तेरे पैसे कितने हो रहे हैं? होटल वाला ले निकाल के पर्चा। बोला जी मेरे तो 25 लाख हो रहे हैं। भाई तेरे 25 लाख कहेंगे? बोले तू आप तो मुर्गा खाओ था, दारू पीवे था भाई, बोले उसमें तो तम भी खाओ थे, बोले तू ही तो खवाओ था। बोले तेरे 4-4 आदमी रहते, और बोले इतने का तो बिल फिर भी नहीं हो सकता। बोले ये बता रहा है अगला झूठ तो बोल रहा कोई ना। तो दोनों बस उसने अपनी तरफ कर ली हिसाब पाए, नहीं समझे तो 4 लोगों के हाथ में देश रह जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे देश की तरक्की होगी कैसे। तो जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें तरक्की करनी है, हमें देश को विकसित बनाना है, सबसे पहले चिकित्सा फिर शिक्षा। हमें इनको जहाँ भी जिस भी देश में ये दोनों चीज़ें फ्री है वो देश विकसित है, बात लिख लो मेरी, वो देश विकसित है, चिकित्सा और शिक्षा। वैसे तो सरकार की ओर से हमेशा जल संसाधन फ्री होना चाहिए और बिजली का भी संसाधन फ्री होना चाहिए। बिजली, जल, चिकित्सा और शिक्षा, और कम से कम ज्यादा नहीं हो तो वही 300 यूनिट केजरीवाल वाली फ्री होनी ही होनी हर मीटर पे, आगे ना। और भारत के आदमी को ईमानदार होना तभी उद्धार होगा, वरना नहीं। लेकिन मैंने एक बात देखी है, यह हम ईमानदार आदमी को पसंद ही नहीं करते। जिसकी ईमानदारी की गारंटी हमने 5-10 साल भुगत ली, उस किरण बेदी को किसी ने वोट नहीं दी, ठीक है ना, उस किरण बेदी को किसी ने वोट नहीं। और जो ये कहता रहा मैं कट्टर ईमानदार हूँ, उसका एक MLA कई कई करोड़ रुपए जोड़ता रहा हर महीने, कहीं कलोनी कटवा रहा है, कहीं कुछ ले रहा है, बोरियां भर ली उन्होंने नोटों की, आगे ना लड़के रख लिए इसलिए कि नोट छाप सके मार्केट से, ला सके, लाने के लिए भी लड़के रख रखे। फिर ईमानदार आदमी को तो हम खुद ही पसंद नहीं करते हैं। मनु भैया भी ईमानदार है, सच्चे हैं, तो सच्चाई भी पसंद नहीं करते हो। तो जो बैठे हैं, जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, वो तो लगता है कई बार मेरे से अपने से है। अभी भाई साहब ने मुझे कहा कि ओमपाल जी आपने अपना पत्रकारिता का करियर कैसे छोड़ दिया। ओमपाल को झूठ और बेईमानी नहीं भाई, आगे समझ में, ऐसे नहीं, पत्रकारिता में झूठ और बेईमानी नहीं थी, लेकिन जो काम करते थे वहाँ जो जुटता था उसको कोई और नहीं जाता था, लास्ट में खड़ा रह जाता था। अब जब ये फीस भरे, ठीक है, बच्चों की, तो फिर खड़ा रहे, कहाँ से भरूं भाई। तो फिर इसने तो भाई इसलिए छोड़ ली, बोले भगवान की शरण में सही, फीस ना भी भरी जाएगी कम से कम ये तो है कि भगवान के हैं, नहीं जय शनिदेव, जय शनिदेव। तो ये हो जाता है भाई, तो काहे नहीं छोड़े, वो काम करे किस लिए जिसमें दिक्कत ही दिक्कत आती रही। ये काम मैंने ईमानदारी के लिए किया, सच्चाई के लिए किया, भगवान के शरण में आने का जो काम है वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे काम में मैं क्रांति लेकर आया था। मेरे मन में एक भावना थी कि मैं क्रांति लेकर आऊँगा और भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, लेकिन मैंने देखा हर ईंट के नीचे दबा था एक भ्रष्टाचार। मैंने काफ़ी कोशिश की, अच्छा लिखा, बढ़िया आर्टिकल लिखे, बढ़िया वीडियो बनाई, बड़े अधिकारियों से लड़ा, लेकिन मुझे आंसर 0/0 मिला। या फिर आंसर ऐसा मिला, रहे ओमपाल तेरे कितने बच्चे हैं जी, ऐसा भी मिला मुझे। फिर अब बच्चे का वहाँ के कौन ऐसी पत्रकारिता करेगा भाई, सच्चाई की। मैंने कहा नहीं समझे, हमने 2 रोटी तो खाई रहे हैं कहीं से करके। फिर आप क्वेश्चन पूछिए, इस देश को ईमानदार तो होने, तो पितृदोष और प्रेत दोष बहुत गहराई से दबे हो सकते हैं। उन ईर्ष्याओं को अगर हमें नष्ट करना है, समय से नष्ट करना है, तो हमें समय से पदार्पण करना चाहिए कहीं अच्छे स्थल पर। और अगर समय से हम नहीं पहुंच गए, वो बहुत सारे रम गए, तो उसके लिए तो देखो भाई समय लगेगा ही लगेगा, और किसी का बहुत भी लगता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन अगर उसका शनि धाम में समय लग रहा है तो मैं मान रहा हूँ वो उत्तम है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। मान लिया मैं बूढ़ा हो गया और मुझे प्रेत बाधा है, मैं शनि धाम में आया, मेरा अगले साल में प्रेत कट जाएगा, रहेगा क्या? बिना मुंह का प्रेत, इतना सा तत्व। और अगर इतना सा तत्व रह गया, मैं मर गया तो मैं प्रेत नहीं बनूंगा, और अगर पूरा प्रेत रह गया, मैं मर गया तो मुझे अपने पास ही रखेंगे, मुझे अपनी जड़ से जाने ही नहीं। ये सेम ऐसा है जैसा एक दो आदमी अभी की खबर है परसों की, कि हमारे जो रोहित भैया है उनके दो मित्र तैरना नहीं जानते थे, वे कह रहे पानी में चले गए, उनका एक मित्र तैरना जानता था, तो वे जो तैरना नहीं जानते थे वे दोनों बच गए, जो तैरना जानता था वो डूब गया, क्योंकि जो तैरना नहीं जानते थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, अपने आप को उसकी तरफ धकेला, उसकी कमर पे पैर रखा और बाहर आ गए। नहीं समझे? ऐसे ही तो होता है। बताओ आप, मान लिया आप को तैरना नहीं आता, मुझे तैरना आता है, और तुम डूबने लगो, ठीक है, तेरा तो वजन भारी है, ऐसी कर, तू डूबने लगे और मैं तुझे नीचे से वो करूं ऊपर की तरफ, तो मैं तेरे नीचे आऊंगा, तेरे पैरों को पकड़ूंगा, यूं दिखाऊंगा, तू तो बच गया, गया कौन नीचे? तो गुरुदेव ये बात तो गुरुदेव ये बात सत्य है क्या कि उसको नहीं पता? हो गया पूरा।